Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. धन्यवाद करना चाहता हूं समाजवादी विचारधारा और समाजवाद का झंडा प्रदान करने के लिए। आपने दिन रात जो अथक प्रयास और मेहनत आप कर रहे हैं। मंचा सिंह, लोक त्यागी साहब, जयशंकर गुप्त जी, संजय राय साहब मंच संचालन कर रहे, हमारे विनोद जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, मेरे समाजवादी सोच के साथियों, समाजवादी साथियों, आज हम यहाँ पर धरा पुत्र चरण सिंह जी का जन्मदिन मना रहे हैं। यही नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज हर जिले में, उत्तर प्रदेश के हर जिले में धरापुत्र चरण सिंह जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चाएं हो रही हैं। जहां भी हमारे देश में समाजवादी यूनिटें हैं, वहां भी हम लोग चौधरी साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। तो ऐसे मौके पर मैं चौधरी साहब के बारे में लंबी चौड़ी बातें तो नहीं, हमारे विद्वान वक्ता कुछ मूर्धन्य विद्वान, अभी भी फोन आया कुर्बान अली साहब का, जयशंकर गुप्त जी बैठे हुए हैं, त्रिलोक त्यागी जी बैठे हुए हैं, इन्होंने चौधरी साहब चरण सिंह जी ही नहीं, हमारे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के साथ काम किया हुआ है, साथ रहे हैं। अमिताभ अवस्थी जी भी आ रहे हैं, अजय सिंह जी भी आ रहे हैं चौधरी साहब के साथ में। जो चौधरी साहब के एक पत्र था, पत्रिका थी, उसका संपादन कर रहे गोला शंकर जी भी आ रहे हैं। उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम 12:30 के बीच में आ जाएंगे, एक बच गया है, अभी कहीं आने वाले होंगे। ये कार्यक्रम 10-15 मिनट हमको और पढ़ने का मिल जाएगा, 2 बजे तक का ये कार्यक्रम था। अगर ये वक्ता आते हैं उस समय पढ़ जाएगा। तो भाइयों, मैं धरापुत्र चरण सिंह जी के बारे में कह रहा था कि धरापुत्र चरण सिंह जी केवल राजनेता ही नहीं थे, वो किसानों के नेता ही नहीं थे, एक पार्टी के अध्यक्ष ही नहीं थे, एक सूबे के मुख्यमंत्री ही नहीं होकर, प्रधानमंत्री में नहीं उनको बांधा जा सकता, वो तो एक आंदोलन का नाम है। धरापुत्र चरण सिंह जी एक आंदोलन का नाम है। देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय कैसी परिस्थिति हमारे देश की थी। गांधी जी ने आंदोलन चलाया, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने, गांधी जी ने नमक आंदोलन शुरू किया था। चौधरी साहब उससे पहले अपनी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने राजनीति के माध्यम से समाज सेवा का मार्ग चुना। उस यात्रा में गांधी जी के साथ हो लिए, नमक आंदोलन में, ये नमक आंदोलन, ये लोनी के पास हिंडन त्यागी साहब यहां नमक बनाया, अंग्रेजों के खिलाफ नमक आंदोलन, ये तोड़ने की बात आई, रूल नियम तोड़ने की बात आई। चौधरी साहब जेल भी गए थे, चौधरी साहब जेल गए, यहां से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू होती है। वो वक्त था, चौधरी साहब शिक्षित हो चुके थे, बहुत साधारण परिवार में पैदा हुए थे,
अपने माता पिता और पूर्वजों से धरापुत्र चौधरी चरण सिंह जी ने क्या सीखा, संस्कार सीखा, सहजता सरलता संयम सीखा। और उसी वक्त एक महामंत्र उनको अपने हृदय में उतारा, आत्मनो मोक्षार्थम समाज हिताय च, समाज का हित। उस समय समाज कहां जा रहा था, समाज में किसान की समस्या थी, गरीब की समस्या थी, और ये उनके परिवार ने परिवार में रहकर उस समय की परिस्थितियों में भली भांति देखा था कि बड़े किसान बड़े जोता छोटे किसान गरीब मजदूर को किस कदर सताते थे, तो उनके मन में पीड़ा उठती थी। अपनी आवाज गरीबों के प्रति, शोषितों के प्रति, पीड़ितों के प्रति, गांव गरीब किसान के प्रति उसको उठाना, उसी जमाने में आंदोलन एक खड़ा किया, लोगों को इससे निजात दिलाने में चौधरी साहब आगे आए। इसी बात को समकालीन हमारे लीडरशिप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनका भी जाति तोड़ो आंदोलन, जाति व्यवस्था ने उस वक्त इतना नुकसान देश को किया हुआ था, हमारे सदियों से गांव गरीब किसानों को पीड़ित करते आए थे, दुखित करते आए थे, शोषितों को बहुत परेशान किया जाता था। आजादी के बाद भी आज वही समस्याएं, गांव किसान गरीब भी, रोजगार की समस्या, किसान समस्या, जातिवाद की समस्या, ये कई समस्याएं तब थी आज भी बरकरार है। इस पर डॉक्टर लोहिया के विचार, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार, राजनांदी के राजनांदी ने उसी पीरियड में काम किया, जुझारू नेता थे हमारे, धरती पुत्र मुलायम सिंह, धरती पुत्र ऐसे ही नहीं बन गए, चौधरी साहब चरण सिंह ने अपने श्रीमुख से धरती पुत्र कहा था मुलायम सिंह को, धरती पुत्र सहजता सरलता जो चौधरी साहब चरण सिंह जी थी, कर्मठ था, सदविचार सुविचार, ये कहां से आई सादगी, कहां से आई, और अपने विचारों को बेबाक तरीके से जनता के सामने देश के सामने रखना, चौधरी साहब चरण सिंह जी, लोहिया जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, राजनांदी जी, और जो हमें समकालीन नेता हुए जयप्रकाश नारायण जी, उनके साथ में कर्पूरी ठाकुर, रामसेवक यादव जी, बहुत से ऐसे साथी कार्यकर्ता रहे, आप त्यागी जी बैठे हुए, आपने तो उनके साथ काम किया है, इनके विचारों से समाजवादी समाज के हित के लिए एक पार्टी बनाई, समाजवादी पार्टी, पीड़ितों के साथ खड़े रहना, शोषितों के साथ खड़े रहना, किसानों की समस्या उठाना, ये सोच यही तो समाजवादी सोच है, समाजवाद का सोच ये पौधा समाजवादी पार्टी नाम से हमारे राष्ट्रीय संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने खड़ा किया, और इसी पौधे को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आगे लेके चलना चल रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में कुछ उन्होंने ऐसे कार्य किए जो समाज के हित के थे, वो भी एक सहज और सरल व्यक्ति हैं, तकनीकी शिक्षा से पारंगत है, उन्होंने बचपन में खेत खलिहान देखा है, मैं जानता हूं जब बच्चे थे पढ़ते थे उन्होंने वहां गांव खेत खलिहान भी देखा है,
समाजवादी पार्टी इस वक्त यह समाज देश परेशानियों से गुजर रहा है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ चुका है, इसे संभालना है। उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरी देश की जनता इस वक्त उद्वेलित है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, गांव के साथ परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, हर तरह से त्राहि त्राहि जंगल राज। जनता चाह रही है अखिलेश जैसे व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आए, देश में आगे बढ़े। ऐसे में सबसे पहले मैं डिमांड करूंगा कि आज हम किसान दिवस के रूप में अखिलेश यादव की आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में जहां जहां इकाइयां वहां पर हम चौधरी साहब का यहां जन्मदिन मना रहे हैं, किसान दिवस के रूप में मना रहे हैं, हम अपनी बात अखिलेश यादव जी तक पूरी पार्टी में ये उठाएंगे कि आज के दिन पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वहां अपनी साइट पर देख लीजिएगा, उन्होंने इस एक्सेप्ट किया है कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे, किसानों के लिए काम किया था, गरीब लोगों के 1939 की बात है, ऋण मुक्त के लिए उन्होंने काम किया था, सराहनीय काम था। 1960 में आते आते भूमिधर और श्रीधर भूमिहीनों के लिए, जो बड़े जोतों के पास बड़ी जमीनें थी, तो छोटे लोग दलितों के लिए जिनके पास जमीन ही नहीं थी, घर के लिए, घर बनाने के लिए भी जगह नहीं थी, तो उनके लिए काम किया। एक कानून बना, उसमें महत्वपूर्ण योगदान धरापुत्र चरण सिंह जी का था। काम तो हमारे मूर्धन्य विद्वान बैठे हुए हैं, वो करेंगे। तो इस मौके पर हमारी जो मुख्य डिमांड रहेगी कि इस दिवस को किसान दिवस ही नहीं, धरापुत्र चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न, भारत सरकार, भारत के लोग भारत रत्न थे, भारत रत्न की हम डिमांड करेंगे। समाजवादी साथी, ये मन में हमारे अखिलेश यादव जी ने पहले ही मन में बना लिया है, जब ये जन्म पूरे देश में मनाने का जब आह्वान हुआ किसान दिवस के, तो भारत रत्न ऐसा उनका कद था, समाज के लिए संस्कार, सहजता, सरलता, संस्कार, व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, लेकिन संस्कार नहीं अगर हो तो कुछ नहीं कर सकता। सद्विचार, निष्काम भाव से काम ये चौधरी साहब से सीखे, निष्काम भाव से जो काम करते हैं वो विचार, उनके विचार सदियों तक, कारों कारों तक विचार जिंदा रहते हैं। चौधरी साहब का शरीर नहीं है इस वक्त, लेकिन उसके विचार उनके हम लोगों के बीच में हैं। ऐसे विचारों को लेके हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आत्मसात किया था, लोहिया जी और चरण सिंह जी, धरापुत्र चरण सिंह जी से जो विचार उनके आए, विचारों को आत्मसात किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जो उन्होंने प्रेरणा ली, और कई महान नेताओं के मैंने नाम गिनाए, उनसे जो प्रेरणा ली, ये समाजवादी पेड़ खड़ा किया, तो विचारों से, सत्कामों से इसको सींचना है। तो हमारे समाज के, पूरा समाज के जीवंत होगा, सुधार होगा, देश का कल्याण होगा। तो इसी के साथ कि मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, रहे अमर रहे धरापुत्र चरण सिंह जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, धरती पुत्र मुलायम सिंह जी, धरती पुत्र मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जी, जय हिंद, जय समाजवाद। लाइक, शेयर एंड कमेंट. To subscribe this channel, please press the bell icon.